ബ്രൂസ്ബിയുടെ ഫാമിലി. തോ ആജ് മലക്കെ ടൈറ്റൽ സമയ ബഡി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടെന്റ് ബി ബഹുത് മജേദാർ എഡിറ്റിംഗ് തോ ഹോ ഗെ 24 ആവർ ചലഞ്ച് മേനെ പൂച്ചാ താ തോ കമെന്റ്സ് മേ ആയാ ഹൈ ബാത്റൂം മേ കരോ കുഛ ലോഗോ നെ കഹ ഡ്രൈംഗ് റൂം മേ തോ ബഹുത് ലിഖ ദിയാ കുഛ ലോഗ് കഹ രേ ടെറസ് മേ കുഛ ലോഗ് കഹ രേ ഛത് പേ കരോ അപ്നി കുഛ ലോഗ് കഹ രേ ഹൈ കെ വാഷിംഗ് ഏരിയാ പേ കരോ ജഹാ പേ കപ്ഡേ നീ ധോതേ വഹാ പേ തോ ഇൻ മേ സേ ജോ സാദാ കമെന്റ് ആയ രഹേ ജിസ്കേ ലിയേ തോ ഡ്രൈംഗ് റൂം കേ ലിയേ ജോ ഥേ വോ ആയേ ഥേ ദോ ബാത്റൂം കേ ലിയേ ആയാ ഥേ ഛേ ഓർ ജോ ഥേ വാഷിംഗ് ഏരിയാ ഉസ്കേ ലിയേ തീൻ ഓർ ബാക്കി സാരി ജോ ചീസേ തീ ഉൻകേ കാം മേ സിർഫ് ഛേ ഥേ ബാത്റൂം കേ തോ മേനെ ഡിസൈഡ് കിയാ ഥാ ബാത്റൂം മേ 24 ആവർസ് ഗുസാർതേ ഹൈ തോ ആജ് കേ വീഡിയോ ഫ്രീ ഹൈ അഭി ഇസ് ടൈം ഹോ രഹാ ഹോഗാ 4:30 AM 4:35 ഹോ രഹേ ഹോംഗേ ശായദ് ഹാ AM 4:35 ഓർ സാരി കാർ ലി ഹൈ ഓർ മേനെ ആജ് റോസേ രഖേ മേനെ സാരേ റോസേ രഖേ കംപ്ലീറ്റ് റോസേ രഖേ തോ യേ മതലബ് കേ യേ ഭി യേ റോസാ അഭി സാരി കാർക്കേ മേ ബൈ രഹാ ഹൂം അബ് നമാസ് പഠനി ഹൈ ഓർ സോനാ ഹൈ ഓർ സുബാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സേ പെഹലേ ഹം എൻ്റർ കർ ജേംഗേ ബാത്റൂം കേ അന്ദർ ഓർ ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് കരേംഗേ തോ അപ്പം മതലബ് കേ ബഹുത് രാഹത് ഹോ രഹി ഹൈ ഓർ മേ ബൈ രഹാ കേ മതലബ് കേ ഷൂട്ട് കർ രഹാ ഹൂം തോ സാരി ഹോ ചുക്കി ഹൈ സാരേ ലോഗ് ഭി നമാസ് പഠ രഹേ ഹൈ തോ മതലബ് കേ റോസാ ബന്ദ് ഹോ ചുക്കാ ഹൈ തോ അബ് മേ ആപ് ലോഗോ കോ പെഹലെ ബതാനാ ചാഹതാ ഹൂം കേ നാ യേ ജോ ചലഞ്ച് ഹൈ സിർഫ് അഫ്താരി തക് ഹി ഹൈ അഫ്താരി കേ ബാദ് യേ ചലഞ്ച് നഹീ ഹോഗാ ക്യൂക്കെ ബാത്റൂം സേ മുഝേ ബാഹർ നിക്കൽനാ ഹി പഡ്നാ ഹൈ ക്യൂക്കെ മേനെ റോസാ ഖോലാ അഫ്താരി ടൈം തോ അഫ്താരി തക് ഹി ഹൈ യേ ചലഞ്ച് തോ ഹം സ്റ്റാർട്ട് കരേംഗേ സുബഹ 8 ബജേ സേ സുബഹ 8:00 സേ മേരി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സേ ശുരൂ ഹോതി ഹൈ തബ് സേ സ്റ്റാർട്ട് കരേംഗേ ഓർ 7:00 PM കോ ഫിനിഷ് കർ ദേംഗേ ക്യൂക്കെ തബ് റോസാ ഖുൽതാ ഹൈ നാ തോ യേ ഹൈ മതലബ് കേ ടൈമിംഗ് ചലഞ്ച് കി തോ അബ് മതലബ് കേ മേ സോനേ ജാ രഹാ ഹൂം മതലബ് കേ നമാസ് പഢ് കേ സോനേ ജാ രഹാ ഹൂം और फिर सुबह हम करेंगे मतलब के एंट्री बाथरूम के अंदर लेट्स गो ये नहीं अच्छा लगता मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता सीधा बाथरूम के अंदर ही चलो तो बस एंट्री आने लगी एक तो एंट्री हो चुकी तो हमने क्या करना तो मैंने यहाँ पे देसी जुगाड़ ला के रखे हैं और दो तीन मैंने बैटरियाँ रखी हैं और एक मतलब कि मैंने ये रखा है बल्ब क्योंकि अगर ये ख़राब भी हो जाए पानी के अंदर तो आई डोंट केयर क्योंकि सस्ता है तो अगर दूसरी लाइट होती तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा था तो मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ पहले माइक लगा लो रोको हाँ तो अब थोड़ा मैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये शेडो क्यों आ रहा है पहले नहीं आता था क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कैमरे से नहीं कर रहा जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं मतलब के हेडलाइट भी नहीं लाया तो मतलब के मैं कैमरा भी लाता तो मैं दोनों चीज़ें नहीं लेके आया और यहाँ पर थोड़े आपको कपड़े नज़र आएंगे यहाँ पर थोड़े कपड़े नज़र आएंगे क्योंकि ना ये सारे पुराने कपड़े हैं तो इनको मतलब के रखने की जगह नहीं अभी तो पापा पता नहीं आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो इसलिए वरना तो पड़े थे स्टोर के अंदर तो आउट ऑफ कंट्री इसलिए यहाँ पे पड़ा है तो मतलब कि माइंड ना करना अगर देख लिए तो मतलब कि अब हम मतलब कि क्या करने लगे हैं कि हाँ मैं बता रहा था कि कैमरा नहीं हम लेके आए तो क्योंकि यहाँ पे बड़ी मतलब कि गर्मी भी है तो हीटअप भी हो जाएगा और यहाँ पे मतलब कि पानी स्टफ और हैंड मतलब कि सैनिटाइजर चलेगा ना उसके किसी भी पार्ट के अंदर चलेगा भाई इस पर 2-3 लाख रुपया नहीं 20-30 हज़ार रुपया उसको ठीक कराने में लग जाना
तो इसलिए मैं नहीं लेके आ रहा। तो सबसे ज़्यादा बात पानी की है, क्योंकि पानी यहाँ पे सारी जगह गीली है, तो अगर मोबाइल भी मैं बेध्यानी से रख दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कि मैंने कहा था कि मैं स्टैंड लगा सकता हूँ, पर यहाँ पे फिसली जगह बहुत है, स्टैंड भी फिसल सकता है, तो मेरा पाँव भी लग सकता है, मैं पागल हो सकता हूँ बाथरूम के अंदर। तो अब बहुत देर होगी बात करते हुए, अब ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, और मतलब कि अभी रात ही है, देखो कितनी डार्क है, अभी तक सुबह ही नहीं हुई। तो बस ये बाथरूम थोड़ा मतलब कि मुझे सारों बाथरूम में से अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मली डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो उनकी ना मतलब कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो ये थोड़ा डस्टी है, और मतलब कि आप समझ लो कभी कभी यूज़ करते हैं वाला बाथरूम, इसलिए मैंने ये लिया, क्योंकि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं वो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि डेली बेसिस पे करना होता है यूज़। तो मैंने जो नहीं इस्तेमाल होता सही तरह, जो जिसके अंदर गंद मंद बचा रहता है, इतना ही गंद नहीं, मुझे वहाँ सिर्फ कपड़े ही रखे हुए हैं फालतू। तो मतलब कि अब लैपटॉप लेके आते हैं, और मतलब कि मीटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। और आज का डे बहुत मुश्किल लगा है, ना कोई पंखा है, रोज़ा भी रखा है मैंने, हाय हाय, अभी से पसीने आने लग गए हैं, तो आगे क्या होगा जो पता नहीं। आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दो, मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब मुझे आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे कमेंट है, मतलब कि ढेर सारे आया, तो कुछ ना मैं वाइट स्टूडियो पे खोल नहीं पाया, तो कुछ मतलब कि नेटवर्क इशू था, तो नेट बड़ा स्लो चल रहा है आजकल, तो मैं खोल नहीं पाया 2-3 कमेंट, तो मैंने मोबाइल पे 4-5 ही खोल लिए थे, तो ये उनके स्क्रीन शूट्स हैं। तो ये कुछ लोगों ने कहा था कि 24 आवर्स इन बाथरूम, तो कुछ और लग रहा मतलब के वॉशिंग एरिया, जब वॉशिंग एरिया नहीं वैसे मतलब के जहाँ पे कपड़े धोते हैं, वहाँ पर वहाँ पे ज़्यादा गीली जगह होगी, तो अभी मेरा माइक भी ख़राब हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो वहाँ पे लग ही नहीं सकती ना, तो यहाँ पे ज़्यादा सही है। तो चलो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, कहीं बैठते हैं, मतलब कि वो ही जगह ज़्यादा अच्छा है बैठने के लिए, शुक्र है वो वाली जगह है इस वाले बाथरूम में, वरना तो नॉर्मली दूसरे बाथरूम में जगह नहीं है, तो मतलब कि वहाँ पे ना इतनी जगह नहीं, मतलब कोई इतना खुला नहीं है, है इतना ही, पर उनके अंदर ज़्यादा बैठने की जगह नहीं है, तो इसके अंदर बहुत खुला, और इसके अंदर शीशे बहुत लगे हैं, देखो एक दो दो शीशे लगे हैं, और ये देखो मैं मोबाइल से जोड़ कर रहा हूँ, बड़ा बुरा लगता है जब अपने आप को देख रहा हूँ मोबाइल से जोड़ कर रहे हो, तो बड़ा मुझे आसानी लग रहा है, मेरा दिल चाहता है कि ना मैं हमेशा फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ, पर मुझे आप लोगों की डिफ़िकल्टी लगती है कि आप लोगों की क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही, तो इस वाले की क्वालिटी अच्छी आएगी। इसी बात से मुझे याद आ गया, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था किसी ने, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, एक मतलब तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया हमें, तो स्पॉन्सर किया ओपन कैमरा ने, तो ओपन कैमरा एक ऐसी ऐप है जो मतलब के बेस्ट क्वालिटी मतलब के देती है एवर, तो आपने जो आपका नॉर्मल कैमरा ना उसको मतलब के 10 गुना ज़्यादा उसको अच्छा बना के पेश करता है, ये थोड़ी सी बात है, चाहे नॉर्मल कैमरा 5 MB लेता है तो वो चलो 7 या 6 MB ले लेता है, सिर्फ 2-3 MB और लेता है, तो इतना भी मतलब कि फ़र्क नहीं, पर जो तस्वीर आती है नॉर्मल कैमरे से क्या डिफरेंट, और क्या मतलब कि मैं नहीं बता सकता। तो मतलब कि कुछ मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की है, पर वो ना जिससे मैं एडिट करता हूँ वो अलाउ नहीं कर रहा, तो वरना तो यूट्यूबर्स के लिए ये ऐसी है, वाह क्या कमाल है यार ये ऐप, मैं सोच ही नहीं सकता था। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वीडियो फ़ोन से बन रही है, लैपटॉप पे कैसे एडिट होगी, तो इसका हल भी है मेरे पास, तो इसका डाटा ट्रांसफ़र करेंगे हम लैपटॉप के अंदर डाटा केबल के साथ सिंपली, इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ तो मतलब के मैंने मतलब के स्पॉन्सर किया है ओपन कैमरा ने, बड़ा ही अच्छा कैमरा है यूट्यूबर्स के लिए खासतौर पे, इतनी अच्छी क्वालिटी नॉर्मल यूज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जिनको अपना बूथा सजाना होता है वो सजा सकते हैं, तो जाओ और जाके मैं अगर डाउनलोड करो, और मतलब कि इसकी 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं, देख रहे हो किसी के, मैंने आज तक देखे नहीं 50 मिलियन डाउनलोड्स,
तो जाओ इसको डाउनलोड करो, बहुत लोगों ने डाउनलोड किया, तो आप क्या हो जाके करो। तो चलो अब लैपटॉप को ओपन करके हम मीटिंग लेते हैं सीधा, उसके बाद जो कंटेंटेड वीडियो वो बनाते हैं, अब तक कंटेंट बना ही नहीं। ओहो ये देखो ये कंटेंट बना, ये देखो ये कंटेंट बना। तो लैपटॉप लेके आते, मतलब कि मैं नहीं जाऊंगा, बैठ से बात दूंगा। मतलब कि मेरा मना हो गया ना, मैं मतलब कि बाथरूम के अंदर आ गया, 24 आवर्स इन बाथरूम। कोई है लैपटॉप पकड़ा देगा कोई? दो कोई मुझे लैपटॉप ही भा। ओए ओए हेलो, तुम कहाँ से मुझे देने आ गई लैपटॉप? चलो दरवाजा बंद करे, वो इतना बड़ी है तो बस दैट फुल्ला। चलो लैपटॉप आ गया, तो ये भी जो मैंने दूसरा लैपटॉप मंगवाया, मैंने ये वाला नहीं मतलब कि दूसरा मंगाया जो मतलब कि पुराना है, और जो नए वाला है उससे मैं रोज लेता हूँ। तो ये पुराना है, जो नए वाले से मैं लेता हूँ वो आज मतलब कि नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? जैसे कि मैं कैमरा भी नहीं लेके आ रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं लेके आ रहा इतनी महंगी वाली, तो उसकी वजह से मैं लैपटॉप भी नहीं लेके आ सकता। तो काफी बार मैं नीचे गिरा चुका हूँ। तो ये है पुराना हमारा जीता जागता, हमने बहुत साल इसको यूज किया है। उई अभी मैंने मीटिंग से ही जाना था, तो चलो इसको मतलब कि ओपन करते हैं। तो ये थोड़ा मतलब कि मुंह धोने लगाऊं, मिस किया कि सोए हुए आए हो। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे उठ के सीधा, तो ये मैंने डबल शर्ट क्यों पहनी है, रीजन है का, वीडियो पूरी देखो पता लग जाएगा। तो यस किसे तो करूं, और अब हड्डियों में भी लग रहा है। तो उफ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट इन 1। तो भी दोस्तों एक दो दिन ऑनलाइन क्लास खराब, तो मतलब के 5 घंटे इतने मुश्किल थे, तो जब मैं ऐसे करके बैठा था मेरी कमर दुखने लगी थी, तो अब ऐसे करके बैठी तो अब थोड़ा सही है। लव लैपटॉप। तो ऑनलाइन क्लास ले लिया, तो मतलब कि बड़ी थकान हुई। मिस ने कहा कैमरा ऑन करो, मैंने कर तो लिया, पर पीछे कपड़े से मैं ऐसे करके ऑनलाइन क्लास ली मैंने, तो मतलब कि सही गई मेरी ऑनलाइन क्लास। अपने कंटेंट वो बनाने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा, और मतलब कि पैसा जो होता है वो कंटेंट से वाला, जो जो कंटेंट से पैसा आता है ना, वो पैसा अभी मेरे पास नहीं है। तो अभी कंटेंट पे पैसा लगाने के पास पैसा है थोड़ा बहुत, तो कंटेंट मतलब कि बहुत हद से बर्दाश्त हो गई है। अरे पता नहीं, मतलब बहुत गर्मी लग गई है, मैं लग रहा मैंने नहाया हुआ, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही सीरियसली। तो मतलब कि वॉशरूम जाने का कोई फायदा तो नहीं है, मतलब कि मुझे वॉशरूम ही नहीं आया। इन टॉयलेट सीटिंग। चलो मैं थंबनेल के लिए थोड़ी पिक्चर्स खींच लूँ, कैमरा मैं अगर मंगाता हूँ। 24 आवर्स रहना ही है तो कुछ डांस हो जाए बाथरूम के अंदर, बाहर बाहर तो निकलना नहीं। हाँ डांस हो जाए सच्ची में, तो कहाँ पे खड़े हैं हम नीचे? दो बस तक खुला। हेलो आई एम मिस्टर बीस्ट, पता नहीं क्या हो। तो आई एम मिस्टर बीस्ट, आई एम डूइंग द चिकन लेग पीस डांस, एंड मच्छर टंग करिंग मी एंड माई रोजा,
I am very tired because this bathroom has no pankha and कुछ भी नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने इसको देख के मेरी इतनी तकलीफें, मेरी मजबूरी को देख के लाइक नहीं किया, तुमको सारी जिंदगी भर अल्लाह ताला खुश रखेगा। नहीं नहीं खुश खुश रखेगा, नहीं भी रखेगा, अल्लाह की मर्जी है, पर तुम लग रहा है लाइक नहीं किया ना, फिर देख बता रहा हूँ, पहले डंडा लेके घर आ गया, किसका भी घर मैं तमीज समझिया करनी बेटा, क्या बात है कर। यार एक नाला तो निकला तो मतलब के मुझे, मैं बहुत, मैं गर्मी लग रही है और मेरे कोई मुझे जाना नहीं मिल रहा कि इस वीडियो को मैं फनी बनाऊं, तो कुछ आवर्स हम स्किप कर देते हैं रिकॉर्डिंग के, तो मैं आपसे मिलता हूँ 3 घंटे बाद। यार मुझे पता नहीं चैन क्यों नहीं आ रही, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं सैलून पर ये बाथरूम है ना, मतलब कि सुबह होने लगी है, मतलब सुबह होगी, 12 बजे सुबह होगी, तो यहाँ पे रोशनी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पीछे हमारे ना यहाँ पे एक शेडो लगा, इसके अंदर एक बाथरूम है जहाँ पे मैं, तो गर्मी तो लगनी है, पीछे हुआ भी हो गर्मी, तो बस मेरा दिल कह रहा मैं नहा के जाऊँ दिल से। हेलो बच्चा, मुझे डर भी नहीं लग रहा क्योंकि मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, मैंने बता दो नहीं उससे अगदास से ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ से कुछ जुआ हुआ ना मुझे, क्योंकि बेसिक तौर पर साथ वाले घर से अटैच है ना ये बाथरूम, तो वहाँ से काफ़ी सारे जुआ आ जाते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब फर्नाइल फेंक दूँगा उसके ऊपर। तो लगते हैं बाथरूम नहीं मैं साफ कर सकता कंटेंट के मारे, नहीं 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 व्यूवर्स, तुम लोग इतना मुझसे नहीं करवा सकते कि तुम लोग मुझसे बाथरूम साफ करवाओ, हो ही नहीं सकता यार, तुम लोग मुझसे बाथरूम साफ नहीं करवा सकते। मम्मा मुझे जिंदगी के अंदर नहीं रहना, किधर है पेपर बाहर ले गया वापस दो, मैं बाथरूम के अंदर सब लोग चिन्ह मारे सोए हुए, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं कि भाई मेरा कुछ ध्यान रखे, कुछ स्टैंड वाला पंखा ला दे अंदर, कोई छोटा छोटे वाला स्टैंड वाला पंखा ला दो, पंखा ला दो, पंखा ला दो, चलो अब जैसे मर्जी बाथरूम साफ करते हैं।